फ्री व्हील कार है यार, ऐसी मस्त चलती है। नाम करते हैं हमें टिंकू, हम तो नूह चल रहे हैं और नूह चलेंगे। मैं जो कनेडा नहीं पहुंच पाया, कोई कनेडा का की हूँ। अगर कुछ हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया और वो एयरबैग खुल गया, तो माता की मूर्ति ना सीधी मुंह पे आगे लगेगी। इसलिए हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कार्स प्लस बाइक्स। तो यार आज इस वीडियो में मैं आपको 10 सेफ कार ड्राइविंग टिप्स बताने वाला हूँ यार। तो फाइनली 2020 खत्म हो रहा है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम 2021 में प्लेज लेते हैं कि 2021 में हम कार सेफ ही चलाएंगे। और सेफ चलाने के मैं आपको 10 बातें बताऊंगा यार। ये जो 10 बातें हैं ना, ये आपको हो सकता है पहले से पता हो, पहले से पता है, आप इन्हें फॉलो करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुन लो। और नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, आपको पता लग जाएंगी यार। और इन 10 बातों को बताने से पहले मैं आपको यार कुछ मेहमानों से मिलवा देता हूँ। आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यार ये ऐसे गवार लोग थे, लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए कि ये भी बदल गए। तो यार अगर ये बदल सकते हैं ना यार, तो हम सब तो बदल ही। सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ आपको मिस्टर कालू से। ये जो मिस्टर कालू है, ये इनका 6 महीने पहले का इंटरव्यू है, एक बार देख लो इनका 6 महीने पहले क्या कहना। भाई राम राम, मैं हूँ कालू भाई। गाड़ी चलाने का ऐसा है, हम चलाया करें कति खुली गाड़ी, घर ते गाड़ी का डहा पंजा दाब दे हैं और मैं ब्रेक नहीं मारा करता भाई। जित जाना हुआ है ना, गाड़ी सीधी जाओ है और सीधा उड़े जाके ब्रेक मारेंगे हम। मेरी गाड़ी चाले कति नाक की सीध में, सारी दुनिया आप हटती जाओ है, हम ना रुकया करते भाई बीच में। और यो ड्रिंक एंड ड्राइव क्या मना है यो, मैं रोज पी के गाड़ी चलाने लग रहा, मेरे चढ़ गई के तमने ला के मेरे चढ़ सके भाई। सी साफ गाड़ी चाल है मेरी, और पुलिसिया मन ने पकड़ के दिखाओ है कोई, दो मारू कान पे भाई। ऐसा है, हम तो नूह चाल रहे हैं और नूह चालांगे। ये बेल्ट, ये सीट बेल्ट के है यो, या बताओगी के मैंने, मेरा कुछ ना बिगड़ सकता भाई, मैं तो नूह चालू। आपने मिस्टर कालू को देख लिया 6 महीने पहले ये कैसे थे। और यार अब मैं आपको इनका कल का इंटरव्यू दिखाता हूँ। इस बंदे की जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ कि इसने शर्म से अपना नाम कालू से धोलू कर लिया। तो यार अब कल के मिस्टर धोलू का इंटरव्यू देखो आप। राम राम जी, मैं हूँ दोनों। बात इसी है, अख मैं आने लग रहा था मूड के तय, पर मेरा कुछ याद को नहीं क्यों होया। 2 बजे थे रात के, मेरे मामे का छोरा था गैला, उसने बताई है मिर्ती। अख 2 ट्रक चलने लग रहे थे हमारे सामने, गाड़ी मैं चलाऊँ था, मैं चलाया करूँ, पी रखी थी मैंने, पिए बिना तो मैं गाड़ी कहते चलाया नहीं करता। सीधे जान लग रहे थे, 2 ट्रक आगे चल रहे थे, जगह न दे थे, मेरे उठ गए छो मन बीच में बाढ़ दी गाड़ी। मैं कहा एक मारूंगा इसके, एक मारूंगा इसके, दोनों जाके पड़ेंगे। वे तो ना पड़े भाई, मारी गाड़ी पलट गई, मेरा सर पाट गया। 6 महीने में तो आईसीयू में तो उठ के आया हूँ मैं भाई, कहने में तो मैंने अच्छा कति नहीं लग रहा। पर बात यह है, अब गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, पीण पैण में कभी ना दरा है। और उस दिन ये बेल्ट, मैं बेल्ट तो लाया नहीं करता, उस दिन भी ना ला रहा था मैं, तो ये बेल्ट ना थी जहाँ तो ये गुब्बारे से खुले को ना, ये गुब्बारे ना खुले जाए तो मेरा सर फट गया। तो भाई बात इसी है, बेल्ट ला लिया करो और गाड़ी बिना पिए चला लिया। कालू बन गया धोलू। अब बात करते हैं मिस्टर स्पीडी सिंह के बारे में। यार ये स्पीडी सिंह का इंटरव्यू ना 1 महीने पहले का है, देखो 1 महीने पहले स्पीडी सिंह का क्या हाल। ओहो सारे नु सत श्री अकाल जी, मैं हूँ स्पीडी सिंह। गड्डी चलाउण दी एहो जिही गल है जी, मैं चलाना गड्डी फुल स्पीड ते, मेरी गड्डी चलती है जी पेट्रोल ते, ते मैं चलना विस्की ते। स्पीडी सिंह दा रिकॉर्ड है जी, वड्डे ते वड्डा स्पीड ब्रेकर आ जाऊ, मेरा अज तक पैग नहीं डोलिया जी। और चलती गड्डी विच जे मेरा पैग खत्म हो जाऊ, मैनू गड्डी रोकण दी लोड़ नहीं है जी, मैं चलती गड्डी विच नया पैग बनाऊ। अब मैं स्पीडी सिंह से कल मिला, इस बंदे को कनाडा जाने की बात ऐसी समझ में आई कि ये स्पीडी सिंह से हैप्पी सिंह हो गया। देखो एक बार सुनो हैप्पी सिंह का क्या कहना। भाजी सत श्री अकाल, मैं हूँ जी हैप्पी सिंह। मैं जी आईलैट की तैयारी शुरू कर दी थी, सानू अंग्रेजी आ जाओ, असी भी कनेडे तुर जाना है। मैं जी सारी बुरी आदतों नू छड़ दिता, मैं हूँ गड्डी भी तरीके नाल चलाना, मैं बेल्ट ला के गड्डी चलाना, तो मैं पी के भी गड्डी नहीं चलाना, क्योंकि जी असी कनेडे जाके भी ड्राइविंग टेस्ट देना पैना, तो वह भी सानू पास करना है। एक होर गल मेरे दिमाग में आई जी, बई गड्डी मैं तरीके नाल नहीं चलावांगा, जे मैनू कुछ हो गया, मैं जे कनेडे नहीं पहुंच पाया, बई कनेडा का की हो। आखिरी गेस्ट है मिस्टर टिंकू। 4 दिन पहले मैं मिस्टर टिंकू जी से मिला था, सुनो एक बार टिंकू जी का क्या कहना था 4 दिन पहले। नाम करते हैं हमें टिंकू। देखिए गाड़ी चलाने का ऐसा है ना कि हमको ये सब सीट बेल्ट, हाई स्पीड लिमिट, ये हाई बीम लो बीम, ये सब हमको नहीं बुझाता है। हमारा जैसा मन करता है वैसे गाड़ी चलाएंगे हम।
हमको बताएंगे कैसे गाड़ी चलाना है? अजी हमको कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगा क्या? कौन है पुलिस? देखिए हमारे बैच का 2 IAS हर शहर में मिल जाएगा, एक फोन घुमाएंगे ना, ये पुलिस वाला दौड़ा दौड़ा आएगा और हमको सलूट मारेगा, बुझे? और ये टिंकू जी 4 पहले जो ऐसे हवाबाजी दिखा रहे थे ना, कल मुझे फिर मिले, देखो कल सुनो ये कल क्या कह रहे थे, 4 में इनका साथ ऐसा हादसा हो गया कि इन्होंने अपना नाम टिंकू से मिंकू कर लिया। अब इस मिंकू की बात सुनो, कल क्या कह रहा था? प्रणाम करते हैं, अब कैसे बताएं आपको, हमको तो बताने में ही शर्म आ रहा है। देखिए हुआ यूं कि हम चंडीगढ़ गए थे, बेल्ट हम लगाते नहीं थे, पुलिस वालों ने रोक लिया, हम उतरे, वो चलान काट रहे थे, हम अपना फोन घुमाना शुरू किए, वो हमको 2 डंडा मारा और फोन खोस लिया, सारा दबंगई हमारा वहीं निकाल दिया और गलियाया अलग ऊपर से। हमको तो इतना शर्म आया, देखिए अब हम टिंकू नहीं रहे, हम शर्म से अपना नाम मिंकू कर लिए हैं और इतना मुश्किल से हम हाथ पैर जोड़ के अपना गाड़ी छुड़ा के लाए हैं, बस पूछे मत भैया, हम तो सीख गए हैं, हमको समझ में आ गया है कि देखिए सीट बेल्ट लगाना है, स्पीड लिमिट फॉलो करना है, रात को हाई बीम नहीं करना है और रॉन्ग साइड तो कभी जाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। तो देखिए हम आपको भी कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाइए, वरना ऐसा लग जाएगी ना पुलिस आपको कि कभी भूल नहीं पाएंगे और हमारी तरह आपको भी अपना नाम बदलना पड़ जाएगा। ये लोग भी अगर बदल सकते हैं तो यार हम तो बदल ही सकते हैं, और इनकी तरह हमें किसी हादसे के होने की जरूरत नहीं है यार, हमें वेट नहीं करना है, 2021 स्टार्ट हो रहा है और हमें 2021 से कार सेफ ही चलानी है। और सेफ चलाने के लिए मैं आपको 10 बातें बताता हूँ, अभी 10 से शुरू करते हैं, आप और चीजें करना चाहते हो कर लो, पर इन 10 को तो यार करना ही करना है, जिसमें सबसे पहली चीज है यार सीट बेल्ट्स। तो यार सीट बेल्ट्स आपको कार में लगानी ही लगानी है अगर आपकी कार चल रही है तो, खड़ी गाड़ी में नहीं लगानी कोई बात नहीं, मैंने नहीं लगा रखी, मेरी कार रुकी हुई है, लेकिन अगर आपकी कार चल रही है तो चलती कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे वाली सीट पे बैठे हो या पीछे वाली सीट पे बैठे हो, आपको सीट बेल्ट लगानी ही लगानी है। छत पे बैठे हो तो भी सीट बेल्ट लगानी है, छत पे सीट बेल्ट होती नहीं है इसलिए छत पे बैठना नहीं है, ठीक है? अगर होती तो बैठ जाते, लेकिन छत पे सीट बेल्ट होती नहीं है तो छत पे नहीं बैठना है कार के। सनरूफ में सीट बेल्ट नहीं होती तो सनरूफ में से भी निकल के नहीं खड़े होना है, सीटों पे ही बैठना है क्योंकि वहीं सीट बेल्ट होती है और इसीलिए वहीं सीट बेल्ट दी। दूसरा पॉइंट है ड्रिंक एंड ड्राइव वाला, तो आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। तो यार देखो इस चीज को समझते हैं कि हम ड्रिंक कर सकते हैं, हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रिंक एंड ड्राइव को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ड्राइव करते हुए हमें ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है। तो यार सब जगह लिखा होता है, सरकार ने लिखा हुआ है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता देता हूँ कि जो ड्रिंक नहीं करना है ना, उस ड्रिंक में आता है अल्कोहल, कि आपको सिर्फ अल्कोहल नहीं पीना है, बाकी आप बहुत कुछ पी सकते हो। मैं लिस्ट बना के लाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यार देखो अल्कोहल को छोड़ देते हैं, हम बनाना शेक पी सकते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक पी सकते हैं, एप्पल शेक पी सकते हैं, शेक बना लो इनके या स्मूदी बना लो सब चलता है, ठीक है? चीकू शेक बना लो, बादाम मिल्क पी सकते हैं, कोल्ड कॉफी पी सकते हैं, हॉट कॉफी पी सकते हैं, और आइस टी पी लो, ग्रीन टी पी लो, मसाला टी पी लो, उसके बाद यार जलजीरा पी लो, फेंटा फ्लोट पी लो, मैकडी वाला बहुत बढ़िया है, फ्रूट पंच पी लो, वर्जिन मोहितो पी लो, नींबू पानी पी लो, नींबू पानी मीठा पी लो, नमकीन पी लो, मिक्स पी लो, सब चलता है यार, रूहअफ़ज़ा पी लो, शरबत आज़म पी लो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यार, ड्रिंक एंड ड्राइव करने के लिए हमारे पास इतनी सारी ऑप्शन है, सिर्फ अल्कोहल ही तो छोड़ना है। तीसरा पॉइंट है यार सनरूफ, कार के अंदर अगर आपकी कार में सनरूफ है तो यार सनरूफ से बाहर निकल के खड़े नहीं होते हैं जब कार चल रही हो। यार देखो सनरूफ है क्या, सनरूफ जस्ट एक विंडो है, आपकी कार में साइड में विंडो होती है, अगर सनरूफ है तो मतलब वो है छत में विंडो है, और विंडो का क्या करते हो आप, कार की विंडो इसलिए तो नहीं होती ना कि आप चलती कार में बाहर मुंडी निकालो, नहीं निकालते ना, इसीलिए चलती कार में सनरूफ से भी मुंडी नहीं निकालनी है, ठीक है? तो ध्यान रखना यार सनरूफ एक विंडो है, छत में विंडो है, और आपको चलती कार में सनरूफ में से खुद नहीं निकलना है, अपने बच्चों को भी। फोर्थ पॉइंट है हाई बीम, यार जब भी आप नाइट में ड्राइव करते हो अपनी कार को लो बीम पे चलाएं, हाई बीम होती है सिर्फ डिपर मारने के लिए, आपको किसी से ओवरटेक करना है, साइड मांगनी है, या सामने से कोई आ रहा है हाई बीम करके आ रहा है तो आप उसे हाई बीम देके बता सकते हो, वो बंदा लो बीम कर लेगा, आइडियली ऐसा कर लेगा। देखो हाई बीम का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप हाई बीम मारोगे सामने वाले को दिखेगा नहीं, सामने वाले की आंखों में हाई बीम पड़ेगी, वो अंधा हो जाएगा, नुकसान अपना ही है, वो अंधा हो जाएगा और हमारी कार ठोक देगा, तो इसलिए हमें हाई बीम पे कार नहीं चलानी है। हाँ मैं मानता हूँ इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आप डिपर दे रहे हो, सामने वाला भी आपको डिपर देता है कि जैसे उसके पास भी डिपर है, और फिर वो हाई बीम करके चलाता है, तो यार अब सब चीजों का इलाज तो नहीं है। पांचवा पॉइंट है स्पीड लिमिट। तो यार देखो बहुत जगह अब कैमरास लग गए हैं,
अगर कहीं पे स्पीड लिमिट 60 की है, 61 पे भी कार चलाओगे तो चलान आ जाएगा। तो एक तो जहां कैमरास लगे हुए हैं वहां पर स्पीड लिमिट क्रॉस ना करें, अपना ही पैसों का नुकसान है, सीधा घर में चलान आ जाएगा, ठीक है, वाहन पे जाके फिर भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसका एक और तरीका है कि आप वेज डाउनलोड कर लो, वेज में ही पता लग जाता है कहाँ पर कैमरे हैं, या रडार वॉच डाउनलोड कर लो, उसके अंदर भी पता लग जाता है कि यहाँ पर कैमरे हैं, जहाँ कैमरे हैं वहाँ तो स्पीड लिमिट को कर लो कंट्रोल। उसके अलावा हाईवेज पर जब आप जाते हो, कहीं पर 90 की लिमिट है, कहीं पर 100 की लिमिट है, कहीं पर 120 की लिमिट है, पूरे इंडिया में कोई भी हाईवे ऐसा नहीं है जिसकी लिमिट 120 से ज़्यादा है। तो यार मैं ये कहूँगा कि कहीं भी 120 से ज़्यादा कार ना चलाएं, सिर्फ चलान के लिए नहीं अपनी सेफ्टी के लिए भी 120 से ज़्यादा कार ना चलाएं। क्योंकि यार देखो, आप कहते हो नेक्सोन 5 स्टार है, यार मेरी XUV300 5 स्टार है, यार ये जो 5 स्टार है ना, इनकी ग्लोबल एनकैप की जो रेटिंग है ना, वो भी 50-60 की स्पीड पे ही टेस्ट होती है, 100 पे भगा के इन्हें टेस्ट नहीं किया जाता। तो यार 100-120 पे आप चल रहे हो, अगर आपका क्रैश हो जाता है तो यार खतरा तो है, ठीक है। और 120 से ऊपर तो जाओ ही मत यार, मतलब 150-150 पे चलाने का बनता नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा हाईवे हो, पर यार अब 120 से भी ऊपर चला रहे हो, 150 पे आप चला रहे हो, तो फिर कार की बिल्ड क्वालिटी क्या कर लेगी, मतलब कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपको चलानी है 120 पे, तो यार पूजा करो, डैशबोर्ड में माता की मूर्ति लगाओ। और यार माता की मूर्ति से मुझे याद आया कि माता की मूर्ति आपको डैशबोर्ड पे सही जगह पे लगानी है, अगर आपको लगानी है तो, ठीक है, एयरबैग जहां पे होता है ना वहां पर माता की मूर्ति मत लगाया करो। अगर कुछ हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया और वो एयरबैग खुल गया, तो माता की मूर्ति ना सीधी मुंह पे आगे लगेगी, इसलिए माता की मूर्ति लगानी भी है तो डैशबोर्ड पे सही जगह लगाया करो। 6th पॉइंट है रेड लाइट्स। तो यार रेड लाइट का फंडा क्या है, इंडिया में बहुत जगह रेड लाइट्स को फॉलो किया जाता है, कहीं जगह नहीं किया जाता है। तो यार देखो, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रेड लाइट पे सब फॉलो करते हैं, वहां तो कर लो फॉलो, रेड लाइट पे तो रुकना ही रुकना है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं, कुछ चौक ऐसे हैं जहां पर सबकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही है कि यार इस रेड लाइट पे तो रुकना ही नहीं है, वहां कोई रुकता ही नहीं है। तो यार बस इतना सेंस कर लेना, कहीं आप आइडियल बन के किसी रेड लाइट पे रुकने जाओ और पता लगा कि कोई रुक ही नहीं रहा है, सिर्फ आप एक लोते बंदे हो उस रेड लाइट पे जो रुक रहा है, तो आप रुकोगे पीछे से कोई ठोक देगा, ऐसा ना हो। लेकिन अदरवाइज रेड लाइट्स यार रुकने के लिए बनी होती है, जहां सब लोग रुकते हैं वहां रुक जाया करो यार, ठीक है। और रेड लाइट के बाद आती है ग्रीन लाइट। तो यार जब आपकी लाइट अगर ग्रीन हो ना, तो ग्रीन पे रेड से भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यार आपकी लाइट ग्रीन है लेकिन जो बाकी डायरेक्शन में जो लोग आ रहे हैं ना दूसरी लाइट से, उनकी लाइट रेड है लेकिन वो कलर ब्लाइंड है। बहुत सारे लोगों को इंडिया की रेड लाइट के कलर दिखते नहीं है, वो रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, उनको पता ही नहीं चलता है, वो बस चले आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्रीन लाइट पे क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें कि इधर उधर से कोई आ ना। 7th पॉइंट है फॉग में ड्राइविंग कैसे करें। तो यार अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, धुंध होती है, तो धुंध में यार आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी सामने वाले को दिखे और सामने वाले की गाड़ी आपको दिखे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपकी गाड़ी सामने वाले को दिखे इसलिए आपकी गाड़ी में जितनी लाइटें हैं ना, फॉग लाइट आगे वाली, पीछे वाली, हेडलाइट, सब ऑन करके रखा करो, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि आप आ रहे हो। आपकी गाड़ी में फॉग लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, सबकी दिवाली गई है, सबने लड़ियां तो लगाई होंगी, तो वो वाली लड़ियां लगा लो यार अपनी गाड़ी पे, पर इतना मेक श्योर कर लो कि सामने वाले को आपकी कार धुंध में दिख जाए, वो ठोक ना दे। दूसरी चीज, आपको भी सामने वाले की कार दिखनी चाहिए। अब धुंध में तेज चलोगे तो नहीं दिखेगी, कुछ लोग लाइट ही नहीं जला के आएंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ धुंध में हमेशा बहुत धीरे चलो, उतना ही चलो, उतना ही आगे बढ़ो जितना आपको दिख रहा है। 8th पॉइंट है मेंटेन सेफ डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग। तो अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, तो यार अपने से सामने वाले की गाड़ी के बीच में एटलीस्ट 3 कार्स का फासला जरूर मेंटेन करो। 3 क्या, मैं तो कहता हूँ 4 का करो, डिपेंड करता है आप कितनी तेज चल रहे हो। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है, आपको एकदम से कार रोकनी पड़ती है, तो यार आपको इतना डिस्टेंस मिल जाए कि आपकी गाड़ी के ब्रेक लग जाएं और आपकी गाड़ी सामने वाले की गाड़ी में जाके 2 से 1 ना हो जाए। आपकी जो गाड़ी और सामने वाले की गाड़ी है ना यार, वो अलग अलग रहनी चाहिए, ब्रेक लगने के बाद वो एक ना हो जाए। 9th पॉइंट है यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। तो यार जब आप कार चला रहे हो ना, तो अपने घर के झगड़े, अपने प्रॉपर्टी के डिसीजंस, अपने ऑफिस की गॉसिप्स, ये सारी बातें यार गाड़ी चलाते हुए डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार जो फ़ोन होता है ना, वो गाड़ी चलाते हुए सिर्फ इतना ही काम करने के लिए होता है यार कि हाँ हेलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, मैं पहुँच गया, मैं चल पड़ा, मैं निकल पड़ा, बस। छोटी बातें करनी होती हैं यार, लंबी चौड़ी डिस्कशंस इंटरव्यूज देने के लिए नहीं होती कि आप कार ड्राइव कर रहे हो और लंबी लंबी बातें कर रहे हो। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि यार फोन अगर आपको उठाना भी होता है ना, तो यार ब्लूटूथ से उठाया करो, फोन को पकड़ के मत उठाया करो, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार
हर कार में, कोई आप नई कार लो, सब में ब्लूटूथ लगाता है जिसमें म्यूजिक सिस्टम फैक्ट्री फिटेड आता है। अगर आप म्यूजिक सिस्टम बाहर से भी लगवाते हो यार, तो हर म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ आता है। तो अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन रखें और कार चलाते हुए हमेशा ब्लूटूथ से ही बात करें। अब 10th पॉइंट पे आ गए हम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और यार ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, और ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूं। यार देखो, गवर्नमेंट भी कहती है यार डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पर ये वाला पॉइंट है डोंट ईट एंड ड्राइव वाला यार। तो पॉइंट है कि राजमा चावल खा के उसके साथ लस्सी पी के कार ना चलाएं। तो यार अगर आपने राजमा चावल खा लिए हैं, लस्सी पी ली है, तो यार मेक श्योर करें कि राजमा चावल खाने के बीच में और कार चलाने के बीच में एटलीस्ट 1 घंटे का फर्क हो, और उसके 1 घंटे में आप नींद लें, क्योंकि यार राजमा चावल खा लो और लस्सी भी पी लो साथ में, तो बड़ी मस्त नींद आती है यार। तो इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप वो राजमा चावल खा के कार। ये थी 10 बातें जिनका आपको ध्यान रखना है कार ड्राइविंग करते समय। तो यार 2021 शुरू होने वाला है, और आप सबको 2021 की बहुत बहुत बधाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2021 आपका सबका बहुत अच्छा जाए, और कार तो अब आप सेफ चलाओगे, इतना तो मुझे समझ आ गया है। ठीक है, मेरी कही कही सारी बातें आपको समझ भी आई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आई होंगी। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले मैं आपको एक अपनी पर्सनल बात शेयर कर देता हूँ कि यार फाइनली मैंने अपनी फोर्ड मस्टैंग खरीद ली है, येलो कलर की। तो यार जो 80 लाख वाली फोर्ड मस्टैंग आती है ना इंडिया में 5 लीटर V8 वाली, यार ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, उसकी स्पीड लिमिट है, बट इस कार की कोई स्पीड लिमिट नहीं है यार। ये कार को आप उतनी तेज चला सकते हो जितना आपकी बाजू में दम है, मतलब ये फ्री व्हील कार है यार, ऐसी मस्त चलती है। और यार इसकी और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, ना तो मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करनी पड़ी, ना मुझे इसका इंश्योरेंस पे कोई भी पैसा देना पड़ा। तो यार ये बड़ी मस्त कार है, और इसके साथ साथ मैं जब ड्रिंक करता हूँ, मैं घर में ड्रिंक करता हूँ, मैं ड्राइव करते हुए ड्रिंक नहीं करता, जब मैं ड्रिंक करता हूँ ना, तो वैसे ड्रिंक एंड ड्राइव भी कर सकता हूँ।